Morning students, myself Manjeet, your science teacher. Today continue of chapter number 12, friction. So let's start. Factor affecting friction. बच्चे हमने अपने last lecture में भी discuss किया था factor affecting friction. कौन कौन से factor ऐसे हैं जो friction को affect करते हैं. Two factor हमने basically read किए थे last lecture के अंदर. दोबारा हम revision कर लेते हैं. The nature of two surfaces, smoothness or roughness of the two surfaces. अगर कोई हमारे पास सरफेस स्मूथ है तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होगा क्योंकि वहाँ पे इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी. और अगर कोई सरफेस रफ है तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा ड्यू टू ग्रेटर इंटरलॉकिंग. क्लियर. फ्रिक्शन कम होने का मतलब क्या है कि हम अच्छे से, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम रोड पर चलते हैं, ईजिली हम वॉक कर लेते हैं, रन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन है. बट अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम स्लिप हो जाएंगे, हम वहाँ पे अच्छे से स्टैंड नहीं हो पाएंगे, अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो. क्लियर. द फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर. नाउ कॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंटरलॉकिंग. ये आपने हमेशा याद रखना है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर जो फ्रिक्शन है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, इसका रीज़न क्या है. इसका रीज़न है इंटरलॉकिंग. दो सरफेस है उनके बीच में इंटरलॉकिंग होती है, उस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे हमारे शूज है, शूज का जो सोल्स होता है और जो रोड है जिस पे हम चल रहे हैं, उनके अंदर जो इरेगुलरिटीज़ हैं, हमारे शूज़ के नीचे कुछ अलग तरह के निशान बने होते हैं, जो सोल्स होता है उसका, सोल्स के ऊपर अलग अलग टाइप के निशान बने होते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हम रोड पे कहीं पे भी चलते हैं तो वहाँ पे उसके बीच में वो इंटरलॉकिंग हो सके और हम स्लिप होने से बच जाएँ. आपने कभी नोट किया हो, अगर हमारे कोई ऐसे शूज़ हैं या फिर ऐसे कोई आप फुटवेयर पहन रहे हो जिनकी जो सरफेस है, जिनका जो सोल है वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल स्मूथ है नीचे से, तो उसमें आप फिसलते हो, फिसलने का खतरा भी ज़्यादा होता है और बहुत बार हम फिसल भी जाते हैं. तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं बन पाती रोड के बीच में और हमारे फुटवेयर्स के बीच में. सो इस वजह से वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता और हम स्लिप हो जाते हैं. स्मूथ सरफेस हैव माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ बिटवीन द टू सरफेसेस. अगर स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे क्या होगा, ये रेगुलरिटीज़ बिल्कुल माइन्यूट होंगी, बिल्कुल कम होंगी और जिस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बहुत कम प्रोड्यूस वहाँ पे होगा. रफ सरफेस हैव ग्रेटर और लार्जर इरेगुलरिटीज़ बिटवीन द टू सरफेसेस. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ़ द सरफेसेस आर रफ. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब ज़्यादा होगा, जब सरफेस रफ होंगे, क्योंकि वहाँ पर इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है. क्लियर. जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड बोला है इंटरलॉकिंग, तो इंटरलॉकिंग क्या होता है, जैसे एक सरफेस आपका ये वाला है, सेकंड सरफेस आपका ये वाला है, तो इन दोनों सरफेस के आपस में एक दूसरे के साथ फिट होना, एक दूसरे के साथ अटैच होना, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग. जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इसके साथ फिट किया है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का ये आपको सैम्पल यहाँ पर दिखाया गया है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट कैसा है और नीचे वाला ऑब्जेक्ट कैसा है, तो इनके अंदर ऐसे निशान बने हुए हैं जिसको हम बोलते हैं रफ सरफेसेस. और ये आपस में जो सरफेसेस हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, इंटरलॉक कर लेते हैं, एक दूसरे को फिट हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे ये वाली नॉब है वो इस वाले पोर्शन के अंदर फिट हो जाएगी और यहाँ से ये अटैच अच्छे से हो जाते हैं, जिस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता है. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. टाइप ऑफ फ्रिक्शन से पहले आपको एक बार बच्चे ये बता देती हूँ मैं, जो फ्रिक्शन है वो टू टाइप्स के होते हैं, अलग इससे अलग कुछ बता रही हूँ. फ्रिक्शन है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है और जो फ्रिक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है. क्लियर. फ्रिक्शन नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रिक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ फ्रिक्शन इन द कार इंजन. अगर कार का कोई इंजन है वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, इट कैन नॉट रन एंड मूव द कार. अगर वहाँ पे फ्रिक्शन होता, इफ देयर इज फ्रिक्शन इन द कार इंजन, अगर फ्रिक्शन होता कार के इंजन में, इट कैन नॉट रन एंड मूव द कार,
तो वहाँ पे जो कार है वो मूव नहीं करती और रन नहीं करती। एट द सेम टाइम इफ नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द रोड सरफेस एंड द टायर, अगर टायर के बीच में और रोड के बीच में कोई यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो जो कार है क्या वो ईजली मूव करती? जैसे हम स्टीयर से उसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो क्या ऐसा होता? ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका जो सरफेस है, जो दो सरफेसेस हैं कार के, जो टायर हैं एंड जो रोड है, उनके बीच में कॉन्टेक्ट नहीं बन पाता, क्योंकि उनके बीच में रफनेस नहीं है, वो स्मूथ है। अगर स्मूथ होंगे तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम जनरेट होगा और जो कार के जो टायर्स हैं वो स्लिप हो जाएंगे, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हम ब्रेक प्रेस करते हैं कार के तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको, क्लियर। इट इज़ ओनली द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड द व्हील रिम दैट स्लो डाउन एंड ब्रिंग्स द कार टू अ स्टॉप, क्लियर है। जो ब्रेक्स हम प्रेस करते हैं किसी भी कार के अंदर, किसी भी व्हीकल के अंदर हम ब्रेक प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो जनरेट होता है ब्रेक्स के बीच में एंड जो व्हील है उनके बीच में, जिस वजह से कोई भी कार है, कोई भी व्हीकल है, वो हमारा स्टॉप हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दे आर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तीन टाइप के फ्रिक्शन हमारे पास होते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एग्जर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसके ऊपर एग्जर्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एग्जर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस। जिस टाइम कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से, दूसरे सरफेस के ऊपर से स्लाइड कर रहा है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। नेम से ही क्लियर होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एग्जर्टेड व्हेन ऑब्जेक्ट रोल ओवर अ सरफेस। जिस टाइम कोई भी एक सरफेस है उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्लियर। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइटली लेस होगा, कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, अभी सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्यों होता है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाती है दोनों सरफेसेस के बीच में। बट स्लाइडिंग एंड रोलिंग के अंदर जो एक ऑब्जेक्ट है वो आपका स्लाइड करता है या फिर रोल करता है, जिस वजह से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हो पाती और वहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे जो बॉक्स है आपका वो रेस्ट में है, क्लियर। तो इस जगह पे जो फोर्स होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। बट सेकंड हमारे पास क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करने लगेगा सेकंड वाले, जो आपका सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर से। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा स्लाइड करने की वजह से वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन। जिस टाइम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर या फिर दूसरे सरफेस पर रोल करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है या आपका कोई नेक्स्ट सेकेंड सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये बॉल क्या कर रही है? रोल कर रही है, क्लियर। तो इसके फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में ये रोल कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, जिसको बोलेंगे रोलिंग मोशन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन, क्लियर। सो ये थी हमारी थ्री टाइप्स फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
रिपीट कर रही हूँ बच्चे, ध्यान से सुनना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द मैक्सिमम फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट टर्न्स टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, कब प्रोड्यूस होता है? जिस टाइम एक ऑब्जेक्ट आपका जस्ट मूव करने की या फिर स्लिप करने के लिए रेडी होता है ओवर द अदर सरफेस। क्लियर? वो पहले रेस्ट में होता है, जस्ट स्टैंड्स टू मूव, वो मूव करने के लिए रेडी होता है, वो मूव करना चाहता है जस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोवली और स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड आएगा बच्चे, यहाँ पे स्लाइड है, मूव स्लोवली ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये वो फ्रिक्शन है जिस टाइम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से, एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर से, हम बोल सकते हैं अनदर ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर से स्लाइड करेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ व्हील और बॉल रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब क्या है? जिस टाइम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस से रोल करेगा, एक आपका ऑब्जेक्ट फिक्स है, जैसे ये कोई भी एक सरफेस है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे हमने एक बॉल रखी, तो ये बॉल क्या करेगी? रोल करेगी, इस डायरेक्शन में रोल करती हुई आएगी। क्लियर? रोल करना होता है ऐसे घूमना, स्पिन करना। क्लियर? तो जिस टाइम ये रोल कर रही है तो ये नीचे की साइड आ रही है, इट मीन्स दैट फोर्स आपका किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था? जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जिसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा होता तो जिस टाइम ये बॉल यहाँ से रोल कर रही है, इस सरफेस से, इंक्लाइन कोई सरफेस है, अगर इससे रोल कर रही है तो ये यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता। यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रही, बॉल कंटिन्यूसली मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों सरफेस है, जो बॉल है और जो स्लाइडिंग सरफेस है हमारा, उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं बन पाती, जिस वजह से जो बॉल है वो मूव करना स्टॉप नहीं करती। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमारे पास है, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फ्रिक्शन कौन सा है? आइडेंटिफाइंग फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? कीप एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट फ्रॉम मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में होगा जिस टाइम आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होगा? इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ सरफेस। ये वो फ्रिक्शन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टॉप करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा उसको, किस टाइम? जिस टाइम एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन भी मोशन से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रोल करेगा, जो सेकंड वाला है इसमें ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, मूव करता है, स्लाइड करता है, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो रोल करता है। जिस टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोल कर रहा है और वहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, एग्जर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है इतना? उसके बाद हमारे पास है हाउ फ्रिक्शन अफेक्ट मोशन। फ्रिक्शन कैसे मोशन को अफेक्ट करता है? इफ़ यू रोल अ बॉल अलोंग द फ्लोर और ग्राउंड, इट विल शो डाउन एंड स्टॉप इवन थ्रो नो अपीयरेंट फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टू इट। द बॉल स्लो डाउन एंड स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जिस टाइम किसी भी बॉल के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं या फिर उसको हम रोल करते हैं ग्राउंड पर या फिर फ्लोर पर, तो क्या होता है? कुछ टाइम वो मूव करती रहती है, बट कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जाती है, जबकि हमें नहीं दिखता कि उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाया गया है अपोजिट डायरेक्शन से, जिस वजह से वो स्टॉप हो रही है। तो बॉल क्यों स्टॉप हो जाती है वहाँ पे? वो होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है
अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में. फ्रिक्शन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन अक्कर व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट ईच अदर. हमने अभी क्या, आपकी जो हेडिंग है वो क्या है, हाउ फ्रिक्शन अफेक्ट मोशन, मोशन को फ्रिक्शन कैसे अफेक्ट करता है. तो जिस टाइम कोई भी हम ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉल है, उसको हम रोल करते हैं ग्राउंड पर, तो कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जाती है. पहले आराम आराम से मूव करेगी, फिर वो स्टॉप हो जाएगी. क्यों स्टॉप हो जाती है? फ्रिक्शन की वजह से. क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन हमारे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है. फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर. जिस टाइम दो ऑब्जेक्ट आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे, तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा. अ कार दैट रन ऑन अ वेरी रफ रोड स्लो डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन. हाउएवर ऑन अ स्मूथ रोड इट ट्रेवल फास्ट. अगर कोई भी कार है वो रफ रोड पर चल रही है, तो वहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है. बट अगर कोई स्मूथ रोड पर वो चल रही है, तो उसकी स्पीड फास्ट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन. क्लियर? अ स्मूथ सरफेस हैज़ वेरी फ्यू बम्प्स सैंड होलो. अगर स्मूथ सरफेस है, तो वहाँ पर जो आपका रोड है वो बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा. वहाँ पे कोई बम्प नहीं बने होंगे, कोई ऊंचा नीचा, जैसे गड्ढे वगैरह बन जाते हैं कहीं पे ब्रेकर्स वगैरह होते हैं, तो वो नहीं बने होंगे. देर इज लेस फ्रिक्शन ऑन अ स्मूथ सरफेस. अ रनिंग ऑब्जेक्ट कैन ग्लाइड और मूव कॉन्टिन्यूसली विद वेरी लिटल फोर्स. और इस वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारी कार है, वो ईजिली मूव करती है सरफेस पर. क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड हाउ फ्रिक्शन अफेक्ट मोशन. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.